मैं लास्ट एक पॉडकास्ट में मैं बता रहा था माँ कामाख्या के बारे में तो एक बार आ, मैं साधना कर रहा था वहाँ पे काफ़ी लेट नाइट तक था और आ, दो ढाई बजे होगा करीब एकदम अकेला बैठा हुआ था तो मेरे को ऐसे अनुभूति हुआ मेरे सामने कोई है एकदम साम्बली स्टैंडिंग फुल फॉर्म ऑफ द मदर माँ का एक रूप है और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ बताया मुझे ये ये, ये। और वो आगे जाके इन द कमिंग ईयर सब सही निकला सब कुछ सही हुआ जैसे उन्होंने बताया था उस समय लेकिन वो एक अलग फीलिंग है ब्लिस वो वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है वो आपके सामने खड़ी हो गई हुई एकदम और इट वाज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर तो उसके बाद मैं जब रूम में आया वापस अपने रूम में तो एक, एक तो वो फीलिंग अंदर में रहता है कि वो बहुत इट वॉज आनंद का एक अद्भुत आनंद का फीलिंग वो एक अहेतुक भक्ति होता है आपका कॉजलेस डिवोशन किसी चीज़ को आपका ज़रूरत नहीं है कुछ नहीं चाहते हो आप वो एकदम परफेक्ट है दुनिया में जो चल रहा है सब सही है ऐसा आपको लगेगा और एकदम अद्भुत एक आनंद होगा और यही है कि एक सुपर पावर एक देवता शक्ति अगर जेनुइन देवता शक्ति आपके सामने आता है तो आपको माइंड को खींच के मेटीरियल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन में ले जाएगा पर ये कभी कभी बुरी शक्तियां भी हो सकती करेक्ट लेकिन इसमें एक डिफरेंस है ये बहुत क्रुशियल है सबको ये चीज इनफैक्ट गुड यू आज दिस क्वेश्चन कोई भी आ, दूसरा शक्ति जो देवता नहीं है बुरी शक्ति हो या तो कोई निम्न स्तर के जो आध्यात्मिक शक्ति होता है जो देवता के नीचे है देवता नहीं है देवता के परिवार के कोई है या कुछ है जो आपसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन देवता से कम है और या कोई नेगेटिव चीज आता है कोई भी आता है आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में नहीं ले सकता है और उसका प्रमाण क्या होता है कि आप

इंटरनली जो चीज़ आपको ज़्यादा ये लगता है लोभ लगता है जिसमें आपका ग्रीड है अटैच है उसको दिख जाता है वो आके बोलेगा कि भाई यही तो मैं करवा दूंगा नॉर्मल पीपल विल नॉर्मली है लॉट ऑफ पीपल से हाँ 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 चाहिए यही चाहिए चाहिए या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व कर देगा कुछ बूंस दे देगा ये सब चीज़ ठीक है ये कोई भी कर सकता है स्पिरिचुअल प्लेन में नेगेटिव लेकिन ध्यान को हायर अवस्था में लेके जाना समाधि के तरफ लेके जाना ये एक देवता ही कर सकता है कोई नहीं कर सकता पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं ओके ब्लैक मिरर शो देख uh, नहीं, नहीं देखा नहीं, एक नहीं। शो है नेटफ्लिक्स अच्छा। पर uh, उसमें एक एपिसोड में के बारे में बताया गया अच्छा जहा जैसे आपने कहा कि एक बुरी शक्ति भी आपको इन्फ्लुंस कर सकती है और दुनिया भर में बुरी शक्तियाँ होती है एकदम तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो अमेरिका में सीरियल किलर्स थे जिनको जी पकड़ा जी गया जिनको जेल में डाला गया उनमें से काफी सारों ने कहा कि नहीं मैंने खुद ये नहीं किया एक बुरी शक्ति मेरे साथ थी जिसने मुझे कहा कि ये करना चाहिए मेरे ख्याल से बुरारी मर्डर केस में भी ऐसे कुछ हुआ एक था बुरी शक्ति जी आ, जी जी वो मानते थे मैंने स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव से अब देखा जाए तो वहाँ पे कुछ जितना मैं केस का पढ़ा था न्यूज़पेपर जी। में कोई तो शायद उनके एंसेस्टर कोई आते थे और उनको कुछ कुछ फायदा होता था पहले यही होता है नॉर्मली आके कुछ बोलेगा कोई भी रूप धारण कर सकते हैं वो लोग देवता का रूप भी धारण कर सकता है तो इसीलिए रूप में भ्रम हो सकता है लोगों को कि जो आपके जो जिनको आप मानते हो या कोई आपके कोई संत को मानते हो आप मान लीजिए उनका रूप भी धारण करके आ सकते हैं वो लोग आके जिस चीज में आपका लोभ है ग्रीड है जो भी आप डिजायर करते हो उसी चीज का वो बोले ही ओर शी और दट एंटिटी जो है वो बोले अच्छा ये मैं दे दूंगा तुम्हें ठीक है और आप खुश हो जाओगे और एक आध दो तीन बार ऐसे होगा और आपको लगेगा तो ये बहुत अच्छा है जो भी आ रहा है आपके अंदर से एक एग्रीमेंट हो जाता है अनरिटन एग्रीमेंट वर्बल नहीं वर्बल से भी पावरफुल अंदर में फ्रॉम योर हार्ट कि हाँ हाँ ये ठीक है यही चीज़ मुझे चाहिए बस तो गए अब फंस गए वहाँ पे एक समय आएगा धीरे 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 एकदम पूरा आप जब डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर बाद में जाके वो अपना स्वरूप दिखाएगा और इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन इनके मोटिवेशन क्या होते हैं बुरी शक्तियाँ के मोटिवेशन क्या होते हैं मोटिवेशन मतलब हम लोग ये जो शब्द बोलते हैं मोटिवेशन हम लोग सिर्फ हमारे एंगल से सोचते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ करना है वो उसका नेचर ही वैसा होता है नेचर अच्छा। यानी उसको उसका मोटिवेशन एक तरह से मानूं कि उनका धर्म ही ये है हुँ. उनको यूनिवर्स ने बनाया इस काम के लिए वही चीज़ वो करेगा उसको अच्छा लगता है ये करने में ये जो सीरियल किलर्स वाले इंसिडेंट्स होते हैं आपको ये लगता है कि कभी कभी बुरी शक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जाके मर्डर कर दो हाँ सब नहीं लेकिन कुछ कुछ केसेस में मुझे तो एकदम लगता ही है कि ये सब कुछ ऐसे टाइप की एनर्जी है जो थॉट्स uh, जो नेगेटिव बीइंग्स uh, है uh, वो आके इन्फ्लुएंस कर सकता है एकदम और सिर्फ uh, कर सकता है नॉट जस्ट कर सकता है उसको बोलता भी है कि उसको प्रॉम्प्टिंग होता है कि दिमाग में अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो और uh, बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है मतलब एक वाइड फील्ड है कभी ऐसा भी होता है कि आके uh, पहले बहुत प्रेज करेगा कि तुम्हारे जैसे इंसान है ही नहीं तुम सबसे यू आर द बेस्ट जो भी तुम चाहते हो जहाँ पे आपका खामी है जहाँ पे आपका कहीं पे आपकी इनसिक्योरिटी है उसी जगह पे आपको सिक्योर करने के लिए बोलेगा ये नो नो ये एकदम सही यू आर द बेस्ट और कुछ घटना भी ऐसे सामने घटाएगा तो फिर आपका जो है वही मैं बताऊँ कहीं अंदर से एक येस आ जाएगा हाँ एक चाहिए होता है एक एग्रीमेंट है जो विक्टिम है विक्टिम से भी कहीं ना कहीं दिल से डीप डाउन एक डिजायर होता है ना चाहिए ये चीज मुझे चाहे उसके लिए थोड़ा शॉर्टकट हो जाए उतना जिसको इंग्लिश में ड्यू डिलीजेंस कहते हैं ना कुछ चीज तो हम ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं कोई भी कहाँ से आ रहा है उतना ठीक है वो तो देवता तरफ देवता के तरफ लग रहा है कुछ मैजिकल uh, लग रहा है और एक uh, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये फीलिंग रहता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ या एक्चुअली प्रूव्ड हुआ है कि नहीं ये बाहर में कुछ स्पेशल काम किया हो ना किया हो लेकिन एक अंदर से एक लगता है कि एक फीलिंग रहता है कि नहीं मैं कुछ स्पेशल हूँ दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो कोई एंटिटी आके बोलता है नहीं तुम सही में स्पेशल हो तुमको पता नहीं है देखो तुम ये कर दे वो कर दे ये पावर आगे वो पावर आगे तो फिर वो अंदर से एक हाँ हो जाता है जी इसके साथ ही रहना है मुझे ये यही सही ये फाइनली मुझे रिकॉग्नाइज किया है कि मैं मेरे अंदर कितना पावर है एंड वहीं से डाउनफॉल चालू होता है दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए